कैलाश मानसरोवर का नाम सामने आते ही हमें एक ऐसे पवित्र स्थान का स्मरण होने लगता है जहां भगवान शंकर का निवास है और जिसका कर्ण कर्ण भगवान शिव की उपस्थिति का आभास कराता है। भारतीय संस्कृति में इस स्थान को सर्वोच्च तीर्थ बताया गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद कठिन और दुर्लभ है। इस यात्रा में कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए हिमालय को पूरी तरह से पार करना होता है, जबकि दूसरी यात्राओं में हिमालय का कुछ भाग ही पार करने का अवसर मिलता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को श्रद्धा और साहस की यात्रा का अनूठा संगम बताया गया है, क्योंकि यह पूरी यात्रा चुनौतीपूर्ण है और उनका सामना श्रद्धा और आस्था के साथ ही किया जा सकता है। यात्री पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कैलाश पर्वत की दूरी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 1300 किलोमीटर है और इसकी चोटी समुद्र तल से 22,028 फुट की ऊंचाई पर है। पर्वत की समूची परिक्रमा का मार्ग 55 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में 5 दिन लगते हैं। हालांकि परिक्रमा में पैदल नहीं चलने वाले यात्रियों को घोड़े और याक की सहायता मिल जाती है, किंतु ऐसा करने पर घोड़ा और याक भी आपके आधे पुण्य का भागीदार बन जाता है, ऐसी मान्यता यहाँ पर प्रचलित है। याक तिब्बत का एक ऐसा पशु है जिसमें हमें गाय और भैंस का मिश्रण दिखाई देता है। तिब्बत में यह अत्यंत ही पूज्य पशु है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे लिए गाय। कैलाश मानसरोवर का महत्व चार धर्मों में विशेष रूप से माना गया है, हिंदू, जैन, बौद्ध तथा तिब्बती संस्कृति। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का धाम माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध को कैलाश पर्वत पर ही असली ज्ञान प्राप्त हुआ था और ऐसी किंवदंती है कि महाभगवान बुद्ध के पैरों के निशान कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में। जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को अष्टपथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तिब्बती संस्कृति के अनुसार कैलाश पर्वत को सबसे अनूठा 9 मंजिला स्तूप माना जाता है। इसे तिब्बती भाषा में कौ रिन पोछे तथा मानसरोवर को त्वम संग कहते हैं। तिब्बती कैलाश पुराण कागड़ी करज्ञा के अनुसार कैलाश पर्वत सारे ब्रह्मांड के ठीक मध्य में है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने पर हमें उनके सभी रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। पर्वत का उत्तरी भाग ग्रेनाइट पत्थर की सीधी चट्टान जो महाशिवलिंग का आभास देती है के रूप में नजर आता है। आसपास के तिब्बती पहाड़ों से यह विशाल पर्वत बिल्कुल भिन्न है। इस तरह चट्टान सीधी होने के कारण यहाँ बर्फ जम नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि इस चोटी पर आज तक कोई भी पर्वतारोही दल नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए हमें तारचेन पहुंचना होता है। यहाँ पर तिब्बतियों की एक छोटी सी बस्ती है। इस स्थान से हमें याक और शेरपा मिल जाते हैं। शेरपा तिब्बती मजदूर है जो सामान ढोते हुए यात्रियों के साथ चलते हैं। पहले दिन लगभग 14 किलोमीटर का सफर तय करके हमें पहुंचना होता डेरापुक गोम्पा, जहां हमारा कैंप खुले मैदान में लगता है। अनेक यात्री यहां स्थित डेरापुक मॉनेस्ट्री में ही रुक जाते हैं। परिक्रमा के दूसरे दिन की चढ़ाई सबसे कठिन और खतरनाक भी है, क्योंकि पूरे रास्ते ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मौसम बदलने पर कभी भी बर्फ भी गिरने लगती है और यह रास्ता 7 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी चढ़ाई एकदम सीधी है। 2-4 कदम चलते ही दम फूलने लगता है। डोलमा के पास पहुंचकर हमें उत्तर कैलाश के दर्शन होते हैं। यहीं पर भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। पास में ही गोरीकुंड भी दिखाई देता है। डोलमा पास में यात्री ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने में बेहद कठिनाई होती है। यहाँ से पुनः अगली यात्रा प्रारंभ होती है और शाम का पड़ाव हमें रुठलपुक गोम्पा में लगाना होता है। यहाँ पर तापमान कई बार -0 से 5 तक चला जाता है और तेज बर्फ भी गिरती है। इसी स्थान पर ऑक्सीजन की कमी का सर्वाधिक आभास होता है। हाल ही में गए 40 यात्रियों के एक दल में गुजरात सूरत की 47 वर्षीय नैना कंसारा नामक इस एक महिला की मृत्यु इसी स्थान पर हो गई थी। इस स्थान पर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस होती है। तीसरे दिन हमें पहाड़ों से उतरते हुए परखा लैंड पहुंचते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ हमें वापस ले जाने के लिए तैयार मिलती है और ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती, जलाधारी वाला भाग छोड़ दिया जाता है, इसलिए यात्री वापस तारचेन नहीं जाकर यहीं पर परिक्रमा का समापन करते हैं। मानसरोवर झील को देवताओं की झील कहा गया है। यह कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 14,980 फुट की पर बनी इस झील की परिक्रमा का दायरा 90 किलोमीटर का है और गहराई 300 फुट की है। भौगोलिक दृष्टि से यह झील सारे संसार की सबसे पहली मानव अन्वेषित झील है। इसकी परिक्रमा में 2 दिन लगते हैं और तीसरे दिन इसके तट पर विधि विधान से पूजा की जाती है। झील में जगह जगह स्वर्ण हंसों के जोड़े और झुंड नजर आते हैं। चारों तरफ के शांत वातावरण में इन पक्षियों की आवाज उमा उमा शिव शिव का उच्चारण प्रतीत होती है। मानसरोवर झील का जल अत्यंत स्वच्छ और निलाप है। मानसरोवर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है और कहा जाता है कि सती की दाहिनी हथेली इसी में गिरी थी। मानसरोवर में स्नान भगवान शिव की आराधना करने का अद्भुत अवसर हमें यहीं पर प्राप्त होता है।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।